नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। हमारे चैनल चारू चौधरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिवीजन की ट्रिक, किस तरीके से हमको डिवाइड करना है ट्रिक के माध्यम से। अभी जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी ने एग्जाम दिया है तो वो जानते होंगे कि होता क्या है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक एक सेकंड की क्या वैल्यू है। तो डिवीजन डिवाइड करना आप सभी को आता है, पता है मुझे, परंतु किस तरीके से आप जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। जो भी लोग डिवाइड करने से घबराते हैं, लगता है बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है, जो क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं, तो जब आप ट्रिक्स जो हैं हमारी वीडियोस देखते जाएंगे तो सारी ट्रिक्स अगर आप समझ लेंगे तो आपका जो समय है जिस कारण से आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं वो आपका छूटना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस दी जाती हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो बेल आइकन नजर आ रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं डिवीजन ट्रिक के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो ट्रिक है ये सभी पे अप्लाई हो जाएगी, ज़्यादातर संख्याओं पे अप्लाई होती है। तो मैं आपको एक के साथ ट्रिक्स हैं टोटल, यहाँ पे मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगी, फिर जो नेक्स्ट ट्रिक्स है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड यहाँ पे जब भी आपको डिवाइड आता है, मान लीजिए आपकी संख्या है 5432/5, दूसरी है 3 2 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी संख्या लिखी है, मान लीजिए 2 लिखी है, तो सबसे पहली अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी अगर आप देखेंगे अंश कुछ भी हो, अगर हर जो है जिसका डिवाइड कर रहे हैं हम वो अगर 5 है तो आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो डिवाइड करना ही नहीं है, आपको ये जो संख्या है ऊपर वाली उसमें बस 2 का गुणा कर देना है। 2 4, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 बच्चों, 8 और 5 दूनी 10। और यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि नीचे एक संख्या है तो यहाँ पे हमको दशमलव लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी, हमेशा ध्यान रखेगा, जब भी जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो 5 है, हर जो है वो 5 है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो संख्या है उसे 2 से डिवाइड करना है और यहाँ की संख्या जो है 1 छोड़ के दशमलव लगा देना है, ठीक है। अभी एक और हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 का गुणा करना है, 6 दूनी 12, एक हाथ से लगाए 10 11 4 5 6, और हमको क्या करना है, 1 दशमलव लगा देना है। अगर आप यहाँ पे भाग करके भी देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, इसलिए आप अगर करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके का आंसर मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके आप फटाफट से देखना चाह रहे हैं तो भी आप देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने कोई सोच के संख्या लिख रखी है, कोई भी संख्या जिसमें हर जो है वो 5 है, 5 का डिवाइड करना है, मान लीजिए 6 8 4 3 2/5, तो यहाँ पे भी हमको 2 का करना है, 4 6 8 16 13 और 1 छोड़ के दशमलव लगा देना है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये, बहुत ही इजीली आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी जो कैलकुलेशन है उंगलियों पे ही हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो पहली जो टाइप है वो ये है। अब दूसरी टाइप आप देखिए, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, 6 8 4 3 मान लीजिए, और नीचे 25 है। देखिए यहाँ पे अभी तक मैं आपको बता रही थी 5 है, परंतु अब जो संख्या है वो यहाँ पे लिखी आ रही है 25 है अगर नीचे, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम उसी तरीके से जैसे आपने पहले 2 से गुणा किया था, यहाँ पे आपको 4 से करना है। देखिए 4 × 3 12 4 × 16 17 4 × 32 33 और 4 × 24 25 26 27, और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि नीचे 2 संख्या है तो आपको 2 संख्याएं छोड़ के फिर दशमलव लगाना है। तो दोस्तों,
हमेशा याद रखिए, जब भी नीचे हर पांच से पांच का भाग देना है किसी में, तो आपको वो जो संख्या ऊपर दे रखी है उसमें दो का गुणा करना है और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। यहाँ पे आपको जब नीचे आपको हर में 25 नजर आता है, तो आपको ऊपर जो है वो दो से नहीं चार से गुणा करना है और दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक बार देखते से ही समझ में आ जाती है। और आपको क्या एग्जाम में जब आप बैठते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका समय काफी सारा बचता है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप हमारा जो चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।